याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था तो करण बहुत चार्ज हो गया एंड ही सेड तू मुझे दबा लाइक गो फॉर इट यू नो आई डोंट केयर नहीं नॉट इन दैट वे वो टाइप ऑफ दबाने तो आ, तो मैंने जो दबाया करण को आ, आ, गाड़ी के गाड़ी के शीशे पर उसको लगने लगा बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर के ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट तू दबाते जा दबाते जा दबाते जा

तो के आर के ने आज आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये आर के जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है उसको आई थिंक उसके उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए प्लीज कीप कीप क्वाइट क्वाइट अनुराग प्लीज अनुराग मेरी ये है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं रणबीर, तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं मैसेज वाज फ्रॉम यू टू हिम लाइक अ स्क्रीनशॉट ऑफ कैन आई आस्क अ क्वेश्चन या डू यू बिलीव आई सेंट हिम दैट मैसेज नॉट आई रेस्ट माय केस अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ किस रोल में आप रखेंगे अनुराग मैं नहीं लूंगा अनुराग को मैं नहीं लूंगा अनुराग को मैं नहीं लूंगा अनुराग क्यों <laughs> नहीं नहीं मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ मैं अनुराग को क्या लेके क्या <laughs> कर लूंगा पिक्चर नहीं बनाते मैं पागल हूँ हम एक दूसरे को हम एक दूसरे को उस गुना से समथिंग बस ना मेरा क्या हो गया मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है आ, आ, लेकिन नहीं 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 मैं अनुराग को वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं बिल्कुल नहीं लू मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है वो गैंग्स ऑफ अस्सीपुर वो या तो गांव में चला जाता है या सिक्स में वो अब वब्रॉड में फिल्म नहीं सूट करती है अनुराग को सॉरी बॉलीवुड की जो फ्रेंड्स बॉलीवुड में उनकी तरफ से कैसे बॉलीवुड में किसके फ्रेंड्स होते हैं

करण जी को मैं नरेट करने गया था उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे अदर दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी जब मैंने करण को कास्ट किया पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया क्योंकि वो रोल जानते थे उन्होंने कहा दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्बाटा ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे क्योंकि मैंने ये पिक्चर ग्यारह रुपए में की है मैं मैं बार-बार कहना कि कारण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए <laughs> मुझे मुझे बाकायदा का चेक मुझे मिला है फैंटम से तो इसलिए इंस्पायर्ड और थोड़ा सस्ता भी बट इट वॉज ए ग्रेट एक्सपेरिमेंट बाई कश्यपी से फिल्म एंड इवन यू सी हिम इन फिल्म यू सी दैट दो बडी एल्साटा